युवा गोल्फ प्लेयरों की प्रतिभा को सहयोग देने के लिए एमवे न्यूट्रलाइट ने करवाया गोल्फ टूर का आयोजन। 25 साल से कम उम्र के गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। एमवे इंडिया ने K&A गोल्फ के साथ मिलकर यह आयोजन किया। इसके जरिए युवा गोल्फ प्लेयर को खेल के प्रति और उनके डाइट के प्रति जागरूक करने के लिए किया गया। एमवे इंडिया ने यह एक छोटा सा प्रयास किया जिसमें युवा हॉकी प्लेयरों को बढ़ावा देने के लिए उनको सही न्यूट्रिशन के साथ सही ट्रेनिंग देने के लिए इसका आयोजन किया गया, जिसमें कई सारे बच्चों ने भागीदारी ली। अब गोल्फ के खेलों में बच्चे भी बढ़ चढ़कर भागीदारी ले रहे हैं और उनको भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है। गोल्फ अब ओलंपिक का हिस्सा बन चुका है, जिसके लिए युवाओं खिलाड़ियों को भेजने की तैयारी की जा रही है और यह तैयारी उनके बचपन से ही शुरू कर दी जाएगी, जिसके लिए एमवे उनको सही न्यूट्रिशन प्लान बताएगा, जिसको फॉलो करके बच्चों को सही न्यूट्रिशन मिलेगा और उनका ध्यान खेल के प्रति रहेगा, क्योंकि हर खेल के लिए सबसे जरूरी है न्यूट्रिशन। ये हमने एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप की है K&A के साथ, और यहाँ पर हम ये चाह रहे हैं कि आज के युवा टैलेंट को हम एक स्टेज दे पाएँ जहाँ पर वो उभर सकें, जहाँ पर वो अपना टैलेंट को एग्जिबिट कर पाएँ, और कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ उनको देने वाले हैं जो उन्होंने शायद अपने आप से एक्सपीरियंस ही कर पाएंगे। बट एमवे और K&A के साझेदारी से उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी अपने आप को शोकेस करने के लिए, और आशा रखते हैं कि ये भी लोग आने वाले टाइम में बहुत अच्छी तरह उभरते हुए गोल्फ प्लेयर्स बनेंगे। तो ये जो आपकी स्पोर्ट्स की दुनिया में है, एमवे का जो एस्पिरेशन हमेशा रहा है टू हेल्प पीपल लिव हेल्दियर लाइफ, और वो शुरू कहाँ से होता है, वो यूथ से शुरू होता है, स्टूडेंट से शुरू होता है। अगर हम उस कॉज को सपोर्ट कर पाएँ, उस कॉज को सपोर्ट करने के लिए एमवे ने ये शुरू किया है, और हम ये एक शुरुआत, छोटी सी शुरुआत है, बट आशा रखते हैं कि ये आगे जाके और बड़े होगी, इससे टैलेंट उभरेगा, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, और केवल भारत में नहीं, ये स्पोर्ट्समैन आने वाले टाइम में विश्व में अपना नाम बनाएंगे। अभी इससे एमवे जो है लगातार न्यूट्रल प्रोडक्ट को लेकर काम कर रहा है, इस खिलाड़ियों में जैसे गोल्फ के होंगे खिलाड़ी, इनको किस तरीके से आप लोग सपोर्ट करेंगे और क्या आगे तक का क्या फ्यूचर होगा? तो जैसे कि आप अभी अगर आप रहेंगे 5:30 बजे हमने एक न्यूट्रिशनिस्ट लाए हैं, तो न्यूट्रिशनिस्ट केवल बच्चों से नहीं, उनके पेरेंट्स से भी बात करेंगे, और न्यूट्रिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी स्पोर्ट्समैन के सक्सेस में। और न्यूट्रलाइट जो एमवे का ब्रांड है वो उस न्यूट्रिशन के बारे में बात करता है, केवल न्यूट्रिशन के बारे में नहीं, एक्सरसाइज के बारे में, एटीट्यूड के बारे में, रेस्ट के बारे में, ये चारों पिलर हैं, एक्सरसाइज, एटीट्यूड, रेस्ट, न्यूट्रिशन, एक अच्छी स्पोर्ट्समैन के बनने में। और हम पिछले 80 साल से इसके बारे में पूरे विश्व भर में उपचार कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि यहाँ भी यूथ और टैलेंट के साथ हम इन प्रिंसिपल्स के बारे में बात करें, ताकि वो अपना पूरी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर पाएँ और आने वाले समय में खूब तरक्की करें। के साथ जो ये आप लोगों की साझेदारी हुई, किस तरीके से आप लोग देखते हो, तो इसमें गोल्फ के जो खिलाड़ी हैं उनको कितना बेनिफिट? देखो, गोल्फ भी ऐसा स्पोर्ट है जिसमें ओवरऑल एथलेटिक डेवलपमेंट के लिए प्रैक्टिस और अपना जिम जाने के अलावा भी न्यूट्रिशन में आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है।
चाहे वो गोल्फ हो चाहे कोई और स्पोर्ट हो, जो ओवरऑल एथलेटिक डेवलपमेंट है बच्चे की वैसी बनती है। तो हमने ये जो कॉम्पिटिशन्स हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एमवे के साथ पार्टनरशिप करके, इसके माध्यम से हम बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देंगे जिसमें वो ना ही इंडिया में अपने हुनर को आगे लेके जा सके, बट हमारे कुछ ऐसे टाइप हैं जो विश्व के बड़े बड़े टूर्नामेंट और बड़े बड़े एकेडमी के साथ हैं, जो बच्चे यहाँ जीत के उन उस मकाम तक पहुँच सकें। किस तरीके से आप लोगों ने चयन किया और जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं वो आगे कहाँ कहाँ पर आप लोग उनको खेलने के लिए भेज रहे हैं? हमने कुछ टाइप किए हैं, जैसे एक एकेडमी है दुबई में भी फ्लोर डामन की, एक उधर हमने टाइप किया है कि बच्चों को थोड़ा वहाँ पर भी, हमारी यहाँ पर भी एकेडमी है बट एक विश्व रिनाउंड एकेडमी उधर पे भी है। प्लस हमने एक कैलवे वर्ल्ड जूनियर्स होता है टूर्नामेंट जो कैलिफोर्निया में होता है, जुलाई में होता है, कुछ स्पॉट वहाँ के हमको दिए जा रहे हैं कि हम यहाँ पर बच्चों का कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करें और उसमें से जो बच्चे जीतते हैं उनको वहाँ खेलने का मौका मिले। सर, बहुत चीज़ स्पोर्ट्स में देखा जाता है कि बच्चों को नहीं डाला था, खासतौर पर गोल्फ की बात करूँ तो एक एज होती है इसमें, मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं वो खेल रहे हैं, किस तरीके से आप कहेंगे कि लोगों को आगे इसमें आना चाहिए इस स्पोर्ट्स में? गोल्फ जो है वो काफ़ी बदल चुका है। अगर आप पूरे इंडिया में देखें सबसे ज़्यादा जो अटेंशन या सबसे ज़्यादा जो एज ग्रुप है जहाँ गोल्फर्स आ रहे हैं स्पोर्ट में या बच्चे आ रहे हैं वो छोटी उम्र से आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये ट्रेंड है जो आगे बढ़ता ही जाएगा, बिकॉज़ जितने बच्चे गोल्फ में आ रहे हैं फिर उनका जो डेवलपमेंट होता है वो टूर्नामेंट्स में आते हैं और अपना गेम आगे लेके जाते हैं। आप देखोगे कि पिछले 10-15 साल में इतने इंडियन गोल्फर्स हैं जो जूनियर लेवल से आके फिर वो एमेचर प्रोफेशनल लेवल पे जाके आजकल यूरोप में और यूएस में भी जाके छाए हुए हैं और इतना अच्छा गेम खेल रहे हैं। तो ये लाइक प्लेटफॉर्म है कि और बच्चे आए, कंपटीशन खेलें, जीतें, एक दूसरे से कम्पीट करें और आगे चलें। आपका नाम? अनुष्का गुप्ता। गोल्फ खेल रहे हैं आप, कितना अच्छा लग रहा है टूर्नामेंट में आ जाके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरीके से इंटरेस्ट जागा गोल्फ में आज कोचेस के साथ खेल रहे हैं आप? मेरी सिस्टर ने पहले शुरू किया था, फिर मेरे को बहुत अच्छा लगा तो मैंने भी शुरू किया और मेरे भाई ने भी शुरू किया था तो मुझे भी अच्छा लगा तो मैंने शुरू कर दिया।